हरियाणा में कांग्रेस में बगावत शुरू हो गई है। कांग्रेस की पहली लिस्ट आते ही यहां पर बगावत दिख रही है। बहादुरगढ़ से राजेश जून लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव। कांग्रेस ने बहादुरगढ़ से एमएलए राजेंद्र को टिकट दिया है। गुरप्रीत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुरप्रीत, कल पहली लिस्ट 32 नाम, और जहां हम एक तरफ देख रहे थे बीजेपी, अब यहां कांग्रेस में भी शुमार, बगावती सुर। जी बिल्कुल, कांग्रेस ने बड़ा कैलकुलेटिव वे से अपनी पहली लिस्ट निकाली थी। 32 में हमने देखा है 28 जो पहले एमएलए है उनको ही डिक्लेयर किया गया है, ताकि कहीं ना कहीं जो विद्रोह है पार्टी का वो ना हो। लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि आज बहादुरगढ़ में लगातार ये विद्रोह चल रहा है, और जो वहां पे जो राजेश जून थे उन्होंने ये भी कह दिया है कि वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस में भी जो रिबेल्स है वो निकलते दिखते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी जो पहली लिस्ट आई है उसमें तो 28 के ज्यादा पुराने पूर्व एमएलए है, और इसके लिए ऑलरेडी उन्होंने माइंड अप मेकअप किया हुआ था कि ये कैंडिडेट यहाँ से होंगे। लेकिन जिन कंस्टिट्यूंसियों पर ज्यादा उनको लग रहा है कि ज्यादा मंथन करने की जरूरत है वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो बगावती सुर है वो देखने को मिल रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया गुरप्रीत इस पूरे अपडेट के लिए। तो हरियाणा में कल ही कांग्रेस की पहली लिस्ट आई थी, 32 नाम आए थे उस लिस्ट में, और यहाँ पर कांग्रेस के भीतर जो है बगावती सुर शुरू हो चुके हैं। बहादुरगढ़ से अब राजेश जून निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे।